कई बार YouTube में आप ये सर्च करते हैं कि कंपाउंडिंग वैल्यू क्या है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट की कुछ टेक्निकलिटीज को आप जानने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सब चीज करना अच्छी बात है, इंफॉर्मेशन को लेना, चीजों को सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और वो प्रैक्टिकल है। देखिए, किसी भी चीज को सीखने का तब तक फायदा नहीं है जब तक आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट जब तक आप करेंगे नहीं, उसके बारे में कितनी भी जानकारी ले लो, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं। आज मैं आया हूं एक इन्वेस्टमेंट करने वाले कस्टमर के घर पे, एक इन्वेस्टर के घर पे आया हूं, और उनकी स्टोरी क्या रही है, उनकी जर्नी क्या रही है, उस जर्नी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब मैं आया हूं, मिस्टर लकी के घर पे। इनका नाम सतपाल सिंह है। मेरा नाम सतपाल सिंह है। मैं 31 इयर्स ओल्ड हूं। मैंने 2014 से मैं BPO एज अ ज्वाइन किया था मैंने, तो 2018 तक मैं एज अ एजेंट बन के मैंने काम किया है। फ्रॉम 2019 से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था एज अ BPO कॉल सेंटर। तो 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम मैंने फाइनेंशियल प्लानर से मिल के मैंने एडवाइस ले के मैंने इन्वेस्ट स्टार्ट किया था। तो राइट नाउ अभी मैं पिछले 3 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, और मेरे को इसका बहुत अच्छा नतीजा मिला है फ्रॉम लास्ट 3 ईयर से। मिस्टर लकी एक कॉल सेंटर चलाते हैं, एक BPO चलाते हैं। सो लकी की ये जो स्टोरी है ये कुछ ऐसी है, दरअसल आज से कुछ साल पहले इनके फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर ने जब इन्हें अप्रोच किया तो और वो इन्हें बताना चाहते थे कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अपना इंश्योरेंस कीजिए, वो इन्हें एक्सप्लेन कर रहे थे, वो उनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते थे, लेकिन ये जो है उन्हें जो है टाल मटोल कर रहे थे, अपॉइंटमेंट देते थे, कभी मिलते थे कभी नहीं मिलते थे। एक बार इनके फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर लक्की से मिले, सतपाल सिंह से मिले, और इनके फैमिली मेंबर्स इनके साथ में बैठे हुए थे और इन्हें जो है इन्वेस्टमेंट के इम्पोर्टेंस को इन्हें बताया, इन्हें समझाया कि इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है और इन्वेस्टमेंट करने से इन्हें क्या फ़ायदा होगा, कौन कौन से इंश्योरेंस लेने चाहिए, वो सारी चीज़ें इनके फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर ने इन्हें समझाई, इन्हें बताई। उस वक्त इनके फैमिली मेंबर्स भी इनके साथ में थे, इनकी माता भी इनके साथ में थी, लेकिन ये मिस्टर लकी जो है इस बात को सीरियस नहीं ले रहे थे, इसकी गहराई को समझ नहीं पा रहे थे, और वो जो है वो इग्नोर करना चाहते थे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर को। लेकिन इनकी माता जी जो है इस बात को बहुत सीरियसली ले रही थी, बहुत गहराई से उस कितना इम्पोर्टेंस है वो इस बात को समझ रही थी। तो हुआ ऐसा, मिस्टर लकी ने जो है उस इन्वेस्टमेंट को करने से जो है बोल दिया कि ठीक है आप फ्यूचर में करेंगे, जैसा कि एक हिसाब से टाल मटोल इस बात को कर दिया। लेकिन बार बार फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के फोन करने पर भी ये जो है वो जो है उन्हें डिले करते जा रहे थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि इनकी माता जी ने इन्हें प्रेशर किया कि नहीं, तुम्हें कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तुम्हें कुछ सेविंग्स करनी चाहिए, और उनके प्रेशर में आकर इन्होंने जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट की एक इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्होंने अपना जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। फिर फाइनेंशियल एडवाइजर ने इन्हें सलाह दी कि आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्होंने बिकॉज माता जी का प्रेशर था और भी इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस भी ले लिया, इन्होंने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, और जैसे तो अब फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता था, इनकी माताजी को अप्रोच करता था, इनकी माताजी से इनको प्रेशर मिलता था, और मिस्टर लकी जो है इन्होंने धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। लेकिन फिर बाद में जो है इनका इग्नोरेंस था, तो इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं किया क्योंकि वहां पर इन्हें कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं दिख रहा था। देखिए, ये जो स्टोरी है, अब मिस्टर लकी ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और आज जो है, और फिर जो है बीच में हाल ही में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट की इन्हें जरूरत भी पड़ी। इनके ब्रदर की शादी थी, तो उनकी ब्रदर की शादी के लिए जो है इन्होंने अपने जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट था उसी में से पैसा निकाला और फिर उस पैसे को इस्तेमाल किया अपने भाई की शादी में। अगर क्योंकि ये बड़े भाई हैं तो इन्हें पैसे का उसमें इन्वेस्टमेंट करना ही था, अपने भाई की शादी में तो बड़ा खर्चा करना ही था क्योंकि इनका भाई छोटा है। क्योंकि इनकी अपनी सेविंग्स थी तो वो पैसे का इस्तेमाल जो है इन्होंने अपने ब्रदर की शादी में किया। सो
ओवरऑल ये जो कहानी रही मिस्टर लकी की, जो कहानी रही जहां से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर ने इन्हें अप्रोच करना शुरू किया और ये हाना कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के, लेकिन आगे चल के इन्होंने अपनी माता जी के प्रेशर में सेविंग्स करना शुरू किया और आज जो है ये अपने आप को फाइनेंशियली कुछ स्टेबल मानते हैं, क्योंकि इनके पास में म्यूचुअल फंड का थोड़ा कॉर्पस है, लॉन्ग टर्म LIC की पॉलिसीज है और मेडिक्लेम पॉलिसी थी लेकिन अब उन्होंने बंद कर दी है क्योंकि उतने ज़्यादा मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के बारे में आई नहीं है। लेकिन यहाँ तक हमें ये समझ में आता है कि सेविंग्स करना ये हमारा नेचर नहीं होता है, सेविंग्स करना ये हमारा नेचर नहीं होता है, हमारा नेचर एक्सपेंस करना होता है। तो हमारा खुद का ही माइंडसेट हमें मोटिवेट नहीं करता है सेविंग करने के लिए, लेकिन अगर सेविंग नहीं करेंगे तो आगे चल के हमारे पास में जो हमारे अप एंड डाउन आने वाले हैं उनमें हमारे पास में सपोर्ट करने के लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, यानी कि पैसा नहीं है तो हम वहाँ पर फिर जो है बहुत ज़्यादा डाउनसाइड हमारे साथ में आ जाता है, बहुत तकलीफ़ों को हमें झेलना पड़ता है। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि किसी का प्रेशर होना सेविंग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मिस्टर लकी के केस में हमें समझ में आता है। तो जब कभी भी हमें प्रेशर आता है सेविंग्स के लिए, फिर भले वो हमारे माता पिता का प्रेशर हो या हमारे किसी रिलेटिव्स का प्रेशर हो या फिर हमारे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर का प्रेशर हो सेविंग्स के लिए, तो हमें उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। कई बार लोग इसे नेगेटिवली ले लेते हैं कि अरे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, ये तो मेरे पीछे पड़ गया है, तो ये लोग उसे नेगेटिव ले लेते हैं और नेगेटिव लेने की वजह से फिर भविष्य में उनका जो है वो फाइनेंशियल सिक्योर नहीं हो पाता है। लकी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये जो इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, ये इंश्योरेंस पॉलिसीज आपने ली, ये जो आपकी जर्नी रही है, इस जर्नी में आपको क्या लगता है कि क्या सही डिसीजंस थे आपके, क्या अच्छा हुआ आपके साथ और कौन से आपके गलत डिसीजन भी रहे हैं थ्रू आउट दिस जर्नी में? ओवर टू यू। तो बेस्ट रीज़न मेरे को जब मैंने स्टार्ट किया मेरा जॉब 2019 से, तब मेरे को LIC मेरे को करना था मेरी डॉटर का, तो 2019 में मैंने घर वालों का डिसीजन भी लिया, फैमिली मोस्टली मॉम ने मेरे को फोर्स किया कि LIC में लेता हूँ तो मेरी बेबी का, तो मेरे को उसमें मेरे को बताया गया कि 10-10 ईयर का भी पीरियड ऑफ टाइम है, 15 का भी है, 15 ईयर्स का, 25 का भी, 20 का है। तो मैंने डिस्कस करके फैमिली मेम्बर से, तो मैंने साल का 70,000 मैंने इन्वेस्ट स्टार्ट किया LIC में, तो मेरे को जो 70,000 है मेरे को एवरी ईयर मेरे को पे करना है टिल 15 ईयर्स, तो मैं रिटर्न देता हूँ LIC को समथिंग लाइक 10 से 11 लाख रुपया और मेरे को LIC आफ्टर 15 ईयर मेरे को डबल अमाउंट मेरे को मिलेगा, लेकिन 18 से 20 लाख रुपया आने वाले 15 साल में। वो सबसे बेस्ट मेरे को पार्ट है मेरा, क्योंकि आने वाले टाइम में कि कल को मेरी डॉटर उसको पढ़ना है, कुछ भी करना है, तो मेरे पास मनी पावर होगा तो लाइफ में वो कुछ भी कर सकती है। और जैसा मैंने इंश्योरेंस मेडिकल मैंने नहीं लिया, मेरे लिए एक साल का लेने के बाद मेरे को उसमें ये लगा कि तो मेरे को तो लाइफ में कुछ हो रहा नहीं है, लेकिन लाइफ में लोगों को देखने के बाद, लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होने के बावजूद लोगों का बहुत लॉस हुआ है, वेस्ट ऑफ मनी गया है। तो मैंने बहुत डिस्कस करने के बाद तो मैं अभी ये डिसीजन लिया है कि मेरे को मेडिकल इंश्योरेंस मेरे को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आने वाले लाइफ टाइम में मेरे को कुछ होता है तो मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस होगा तो मैं फ्रीडम रह सकता हूँ, मेरे को लोगों से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे को जो मेरा वीक पार्ट था वो मैंने LIC मेरा इंश्योरेंस का जो था साल भर का करने के बाद आफ्टर नेक्स्ट ईयर मैंने बंद कर दिया था, तो मेरे को अभी फिर से वो अगेन स्टार्ट करना है, तो वो मेरा वीक पार्ट था। तो लेकिन अभी उसको स्टार्ट करने के बाद मेरे को तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा कि कल को मेरे को कुछ होता है तो मेडिकल इंश्योरेंस मेरे पास होगा तो मैं फाइट कर सकता हूँ। तो अभी वो आने वाले नेक्स्ट मंथ में या अपकमिंग मंथ में तो मेडिकल इंश्योरेंस लूंगा मैं। तो आपको ये लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस को कंटिन्यू नहीं किया आपने, मेडिकल इंश्योरेंस को जो आपने कंटिन्यू नहीं किया वो आपकी सबसे बड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि आपने देखा, मैंने देखा फ्रेंड्स को, रिलेटिव में भी देखा मैंने, लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होने के बाद बहुत लोगों से हेल्प मांगते, लोग अपना इलाज नहीं कर पाते, तो जिसके पास आज के टाइम में मेडिकल इंश्योरेंस है वो बंदा सेफ है, स्टेबल है। तो मेडिकल इंश्योरेंस लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, होना चाहिए।
परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो लकी, आपकी ये जो स्टोरी है, आपके आपके जो एक्सपीरियंस है, ये डेफिनेटली बहुत ही जो है बड़ी सीख देते हैं हमारे ऑडियंस को। देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लकी कभी भी एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं था, कभी भी इतनी मैच्योर सोच नहीं थी उसकी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के बारे में, लेकिन ये मैच्योर सोच उसकी बनी है, ये आज बनी है, क्योंकि आज इसकी अपनी फैमिली है, इसकी अपनी एक बच्ची है, और इसने कई सारे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में देखे दूसरों के, यहां पर उसे एहसास हुआ कि नहीं, इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस कितना है और इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस कितना है। देखिए, अगर आप भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इंश्योरेंस करना चाहते हैं और आपको एक मोटिवेटर की जरूरत है, आपको कोई मोटिवेट करे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको कोई बताए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, तो स्क्रीन में आपको जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करके जो है, सबसे पहले जरूरी नहीं है कि आपने इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट ही करना शुरू करना है, आप सलाह लीजिए किस तरीके से आपको करना है, आपको पूरी सलाह मिलेगी, और सलाह करने के बाद, लेने के बाद, हर चीज को समझने के बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपनी जान पहचान के लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और बहुत ही जल्द मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।